दोस्तों वीकेंड के वार में एलिस कौशिक को रोता देख टीवी एक्टर्स गुस्सा हुए सलमान खान और कवर पर। दिव्यांका निया शर्मा अलाई गोनी ने दिया बड़ा बयान, क्या है सारा मामला जानेंगे। दोस्तों रिसेंटली वीकेंड के वार में सलमान खान ने एलिस कौशिक को टॉर्चर करने की कोशिश की, एलिस को इमोशनली तोड़ने की कोशिश की गई। एलिस को दिखाया गया उसका बॉयफ्रेंड कवर उस पे चीट कर रहा है, कवर की बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, जबरदस्ती बाहर की बातों को अंदर घसीटा गया ताकि बिग बॉस को मसाला और टीआरपी मिले। इस पर टीवी के बड़े स्टार नाराज हुए सलमान खान और कवर से। दिव्यांका त्रिपाठी इस मामले पर कहती है, मुझे एलिस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। एलिस ब्रोकन फैमिली से है, उसकी फैमिली में उसकी मम्मी फादर सब एक्सपायर हो चुके हैं, वो बेचारी अकेली थी लाइफ में, उसके अकेलेपन का फायदा उठाया कवर ने। जब एलिस को पटाना था, उसे सीरियस करना था, उसे बोल दिया मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। 4 साल के रिलेशनशिप में लड़की इसका क्या मतलब निकालेगी, यही मतलब निकालेगी लील लड़का शादी का प्रपोजल दे रहा है। शादी का झूठा झांसा देकर कवर ने उसके साथ हर चीज की होगी और एलिस ने भी कवर की खुशी के लिए उसे हर चीज दी होगी। और जब एलिस फेमस हो गई है बिग बॉस 18 में, तो कवर अपनी बातों से मुकर रहा है, अपना नाम बनाने के लिए, चर्चा में आने के लिए एलिस का यूज कर रहा है, उसे गलत दिखा रहा है। एलिस को इस बंदे को अपनी लाइफ से लात मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। और सलमान खान ने भी जिस तरह से ये बात रखी है वो बहुत गलत थी, इमोशनली हर्ट कर दिया एलिस को। इस पूरे मामले पर निया शर्मा कहती है, कवर जैसे लोग लड़की को यूज एंड थ्रो करते हैं, लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलते हैं। बोल रहा है कि मेरी मम्मी ने मुझे घूरा एलिस के नाम पर, इसका मतलब इसके घर में एलिस एलिस चलता रहता है, इसकी मम्मी एलिस पर नजर रखती हैं। तो अगर इसके दिल में खोट नहीं होता तो अपनी मम्मी को बोल देता मैं एलिस को डेट कर रहा हूँ, एलिस मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसी ही लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, बट मैं अभी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ उसको जानने समझने में। इसको ये बात भी समझ में नहीं आती कि जब बिग बॉस के घर में होते हैं तो आप बड़े होपलेस फील कर रहे होते हैं, ऊपर से ये इंटरव्यू दे रहा है जिससे एलिस की बदनामी हो रही है। इसको इंतजार कर लेना चाहिए था, जब एलिस सामने आ जाती बिग बॉस के घर से निकल के, तब बोल देता मैं शादी में अभी तैयार नहीं हूँ। भगवान करे एलिस को ऐसा लड़का मिले जो उसके माँ बाप भाई बहन सबकी कमी पूरी कर दे, ना कि ऐसा इंसान जो उसका फायदा उठाए। उस बेचारी के आगे पीछे है नहीं ऊपर से, और ये कवर उसे तंग करेगा। ऐसे लड़के के साथ एलिस को नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द एलिस को कवर को छोड़ देना चाहिए। एली गोनी जो एलिस कौशिक के बड़े अच्छे फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा अपसेट है इस मामले से। वो कहते हैं, मुझे एलिस के लिए बहुत बुरा लग रहा है, कवर को एलिस को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो बिग बॉस के घर के बाहर है तो उसे एलिस के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उसे मोटिवेट करना चाहिए था, पर वो उसे पब्लिकली डिफेम कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए ये सब करने से पहले। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, क्या एलिस को कवर को छोड़ देना चाहिए? वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड स्क्रीन में सारी वीडियोस बिग बॉस की मसालेदार भर दी है जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है। आप भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।